बिस्मिल्लाह रहमान रहीम फॉर द लास्ट फ्यू लेक्चर्स वी हैव स्टडीइंग इंटरेस्ट रेट डिटरमिनेशन एंड वी हैव डिस्कस्ड एसिड मार्केट अप्रोच टू इंटरेस्ट रेट डिटरमिनेशन। नाउ वी मूव ऑन टू सेकेंड अप्रोच ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटरमिनेशन व्हिच इज कॉल्ड लिक्विडिटी प्रेफरेंस अप्रोच और लिक्विडिटी आपने ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस की टर्म पहले भी सुनी होगी

को प्रेफर करते हैं लिक्विडिटी होल्ड करने को प्रेफर करते हैं और सीधी सी बात है हम ये एसेट मार्केट में भी देख चुके हैं जिस एसेट की लिक्विडिटी ज्यादा हो उसको लोग ज्यादा ही होल्ड करते हैं तो बेस इसकी मनी है है इसका मतलब ये कि अब हम बॉन्ड मार्केट से निकल आए हैं और हम मनी मार्केट से इंटरेस्ट रेट की डिटामिनेशन पढ़ते हैं बॉन्ड मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट डिटामिन होता है इसी तरीके से मनी मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट डिटामिन अगर वहां इसके कुछ डिटर्मिन फैक्टर्स थे तो यहां भी इसके कुछ डिटर्मिनिंग फैक्टर्स होंगे वहां हमें कुछ वेरिएबल पता चले जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करता है यहां में हमें कुछ वेरिएबल्स पता चलेंगे जो जिनकी वजह से इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करता है हाँ कुछ वेरिएबल कॉमन भी हो सकते हैं जबकि कुछ वेरिएबल डिफरेंट भी हो सकते हैं लेकिन उससे पहले जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस फ्रेमवर्क या लिक्विडिटी प्रेफरेंस अप्रोच है ये दो किस्म की मार्केट कंसीडर करती है एक मनी मार्केट है और एक बॉन्ड्स मार्केट है अब ये एक फर्क यहीं पे समझ लें कि जब हम बॉन्ड्स मार्केट अप्रोच पढ़ रहे थे तो बॉन्ड्स के मुकाबले में कई एसेट्स थे चाहे वो रियल एसेट है चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट का कोई और एसेट है जैसे इक्विटी है या मनी उसका अल्टरनेट हो सकता है तो कई तरह के हम इसीलिए कहते थे कि रिटर्न ऑन बॉन्ड इंक्रीज हो गया रेलेटिव टू अदर एसेट्स इसका मतलब अदर एसेट्स भी बहुत सारे हैं लेकिन जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस अप्रोच है ये कंसीडर करती है कि देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ एसेट एक है बॉन्ड एज एन एसेट और एक है मनी एज एन एस इसका मतलब यह है कि जो टोटल वेल्थ होती है डब्ल्यू डब्ल्यू एस सप्लाई ऑफ वेल्थ दैट इज इक्वल टू डिमांड फॉर वेल्थ डब्ल्यू डी तो अगर टोटल वेल्थ के लिए हम इक्विलिब्रियम बनाए डब्ल्यू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू डी सप्लाई ऑफ वेल्थ इज इक्वल टू डिमांड फॉर वेल्थ तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के मुताबिक वेल्थ दो तरह के एसेट्स में होते या वो एसेट्स मनी है या वो एसिड बॉन्ड तो इसका मतलब है जो सप्लाई ऑफ वेल्थ है वो बेसिकली सप्लाई ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स है और जो डिमांड फॉर वेल्थ है वो डिमांड फॉर मनी और डिमांड फॉर बॉन्ड्स है इसलिए डब्ल्यू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू डी को हमने लिख दिया एमएस प्लस बी एस मनी सप्लाई प्लस बॉन्ड सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड प्लस बॉन्ड डिमांड या डिमांड फॉर बॉन्ड अब अगर आप इसको एक टर्म को लेफ्ट पे एक को राइट पे ले जाएं, बी एस लेफ्ट पे रहने दें और बी डी को भी लेफ्ट पे ले आएं, तो चूंकि साइन चेंज हो जाएगा तो लेफ्ट साइड पे बन जाएगा बी एस माइनस बी डी और राइट साइड पे बन जाएगा एम डी माइनस एम एस अब बी एस है सप्लाई ऑफ बॉन्ड बी डी है डिमांड फॉर बॉन्ड अगर सप्लाई और डिमांड बॉन्ड मार्केट के इक्वल हो जाए तो आंसर आएगा जीरो अगर लेफ्ट साइड पे जीरो आ जाए तो राइट साइड पे लिखा हुआ है एम डी माइनस एम एस इसका मतलब है एम डी माइनस एमएस भी जीरो हो जाएगा इसका मतलब है मनी मार्केट भी इक्विलिब्रियम में हो तो पहली बात ये समझे मनी मार्केट की ये कंसीडर करती है कि दो तरह के एसेट्स हैं एक बॉन्ड एक मनी और अगर एक मार्केट में इक्विलिब्रियम होगा तो दूसरी मार्केट में डेफिनेटली इक्विलिब्रियम होगा इसका मतलब है अगर बॉन्ड मार्केट में इक्विलिब्रियम है तो मनी मार्केट में डेफिनेटली इक्विलिब्रियम होगा या दूसरी तरफ अगर आप मनी मार्केट को पढ़ लें और सिर्फ मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम को स्टडी कर लें तो आप श्योर sure रहें कि बॉन्ड मार्केट भी इक्विलिब्रियम में हो यह बेसिक कॉन्सेप्ट है ठीक हो गया सो व्हेन बॉन्ड मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम देन मनी मार्केट इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम इसका मतलब है कि जरा डेप्थ में जाएं जरा गौर से सोचें तो जो दो अप्रोचेज हैं बॉन्ड मार्केट की और मनी मार्केट की अल्टीमेटली दे विल रीच सेम सेम कंक्लूजन ऑलमोस्ट लेवल पे पहुंचेंगे इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट के दोनों ने रेट को डिटॉमिन करना है सेम लेवल पे पहुंचेंगे क्यों इसलिए कि ये तो approach ही ये तो अप्रोच कर रही है कि जब मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में तो बॉन्ड्स मार्केट डेफिनेटली इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब है बॉन्ड मार्केट का इक्विलिब्रियम और मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है तो दोनों ने इंटरेस्ट रेट को डिटॉमिन करना है तो दोनों का इंटरेस्ट रेट सेम डिटर्मिन हो जाएगा लेकिन यह तो है कि थ्योरेटिकली उनमें कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है क्योंकि एक इक्विलिब्रियम में तो दूसरा भी इक्विलिब्रियम में दूसरी मार्केट लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे कि कौन कौन से वेरिएबल इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करते हैं कि यह चेंज हो जाए एक्सपेक्टेड रिटर्न चेंज हो जाए क्या हो जाएगा मनी सप्लाई चेंज हो जाए क्या हो जाएगा यह वेरिएबल चेंज हो जाए वो वेरिएबल चेंज हो जाए तो क्या होगा उस केस में प्रैक्टिकली इन दोनों में डिफरेंस आएगा और वो डिफरेंस ये है कि जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थेरी है ये मनी का अल्टरनेट सिर्फ बॉन्ड्स को लेती है बाकी अदर एसेट्स को इग्नोर कर देती है जबकि बॉन्ड बॉन्ड्स मार्केट अप्रोच जो थी वो अदर एसेट्स में कई एसेट्स कंसीडर करती थी तो ये इन दोनों के दरमियान प्रैक्टिकल डिफरेंस भी है अब इससे पहले कि मैं इस पे जाऊं अब चूंकि पहली बात ही यहां पे ये यह आ गई कि बॉन्ड मार्केट और मनी मार्केट ऑलमोस्ट थ्रेटिकली सेम है प्रैक्टिकली उनकी अप्रोच में डिफरेंस है तो सवाल यह है कि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हम क्लियर हो जाए कि कौन सी अप्रोच पढ़नी चाहिए अगर हमारा आंसर यहाँ पे यह है कि जब दोनों थ्योरेटिकली सेम है तो फिर सिर्फ बॉन्ड मार्केट को ही पढ़ लें क्योंकि बॉन्ड मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी तो मनी मार्केट तो लाजमी इक्विलिब्रियम में होगी तो फिर हमें मनी मार्केट को तो डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी तो इसलिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं कि कौन सी अप्रोच यूज़ करनी चाहिए प्रैक्टिकली तो उसका आंसर है बोथ तभी हम मनी मार्केट पढ़ना चाह रहे बॉन्ड्स मार्केट इक्विलिब्रियम के बावजूद मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना चाह रहे तो बॉन्ड मार्केट जो है अगर आपने एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का इफेक्ट देखना हो बॉन्ड प्राइसेस पे और फिर इंटरेस्ट रेट से जो कि लास्ट लेक्चर में हमने फिशर हाइपोथेसिस के लिए जो डायग्राम बनाई थी उसमें डिस्कस किया था कि अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट चेंज हो जाए तो वो डिमांड फॉर बॉन्ड को भी चेंज करता है वो सप्लाई ऑफ बॉन्ड को भी चेंज करता है और उसकी वजह से वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को भी चेंज करता है तो अगर आपका फोकस हो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट के इफेक्ट पे तो बॉन्ड्स मार्केट अप्रोच बेहतर है लेकिन अगर आपका जो डिटर्मिनंग फैक्टर हैं या इंटरेस्ट रेट को चेंज करने वाले फैक्टर्स हैं उनमें एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट पे आप फोकस नहीं करना चाहते बल्कि आप अदर फैक्टर्स पे जैसे इनकम लेवल प्राइस लेवल या मनी सप्लाई इस पे देखना चाह रहे हैं कि इसके क्या इफेक्ट्स होंगे इंटरेस्ट रेट पे तो फिर बॉन्ड्स मार्केट में हमने मनी सप्लाई को तो कंसिडर ही नहीं किया था। बात समझ आ गई तो इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिकली दोनों की अप्रोचेज अपनी अपनी है थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट एक ही है इसलिए हमें दोनों अप्रोचेस को डिस्कस करना पड़ेगा तो अब हम चलते हैं मनी मार्केट इक्विलिब्रियम की तरफ तो जब हम कहते हैं मार्केट तो मार्केट का तो मतलब ही एक होता है डिमांड और सप्लाई और मनी मार्केट में मनी की डिमांड होगी मनी की सप्लाई होगी और आपको पता है कि मनी की डिमांड की तो हम कितनी थेरीज़ पढ़ चुके हैं मनी डिमांड फंक्शन पढ़ चुके हैं हम क्वांटिटी थेरी ऑफ मनी पढ़ चुके हैं हम कैंजियन थेरी ऑफ मनी डिमांड पढ़ चुके हम फ्रीडमैन uh, की थेरी पढ़ चुके हैं हम बोमल टोमिन टोबिन की थेरी पढ़ चुके तो हम तो कई तरह की जो है वो थेरीज पढ़ चुके हैं मनी डिमांड की तो हमें ये बात पता है कि मनी डिमांड इंटरेस्ट रेट से इन्वर्सली रिलेटेड होती है और उसकी दो हैं एक पोर्टफोलियो थेरी से आती है कि जब जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाए जो बॉन्ड्स के ऊपर अब इंटरेस्ट रेट मनी के ऊपर तो होता नहीं है वो ज़ाहिर है बॉन्ड के ऊपर होगा क्योंकि इस थेरी के मुताबिक मनी का अल्टरनेट एसेट सिर्फ बॉन्ड है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है बॉन्ड के ऊपर रिटर्न बढ़ गया तो जब बॉन्ड के ऊपर रिटर्न बढ़ गया तो लोग बॉन्ड होल्ड करेंगे ना फिर मनी क्यों होल्ड करेंगे तो मनी की तो डिमांड कम हो जाएगी या आप पोर्टफोलियो थेरी में नहीं जाते तो सिंपल भी है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो अपॉर्चुनिटी कास्ट होता है मनी होल्डिंग तो जब अपॉर्चुनिटी कास्ट बढ़ गया तो आप मनी की डिमांड कम कर देंगे हम मनी डिमांड का कव पहले भी बना चुके हैं मैंने दोबारा आपको याद करवाने के लिए बना दिया कि बस ये नेगेटिवली स्लो मनी सप्लाई भी आप पहले पढ़ चुके हैं मनी सप्लाई का एक पूरा टॉपिक हमने पढ़ा है और आपको पता है कि मनी सप्लाई में वेलोसिटी ऑफ मनी का रोल था हमने पढ़ा मनी मल्टीप्लायर का रोल था और इन पैरामीटर्स को चाहे वो मनी मल्टीप्लायर हो चाहे वेलोसिटी हो इनमें इंटरेस्ट रेट का रोल होता है लेकिन ज़्यादातर जब हम मनी मार्केट को स्टडी करते हैं तो हम अस्यूम कर लेते हैं कि मनी सप्लाई एग्जॉजीनस है यानी कि इंटरेस्ट रेट से इफेक्ट नहीं हो रही इंटरेस्ट रेट से जो मनी इफेक्ट होती है वो बेसिकली बेसिकली जब सेंट्रल बैंक की मनी के ऊपर मल्टीप्लायर प्रोसेस चलता है यानी कि कमर्शियल बैंक्स जब डिपॉजिट क्रिएट करते हैं वहां पे इसका रोल आता है तो अगर हम अस्यूम कर लें कि मनी इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक देन वी कैन ईजीली ईजीली अस्यूम दैट सप्लाई इज एग्जॉज मनी सप्लाई दैट्स वाई मनी सप्लाई वर्टिकल अब हम इन दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम यानी कि पॉइंट सी मनी डिमांड और मनी सप्लाई को इक्वेट करता है तो यहां पे जो इंटरेस्ट रेट है ये इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है और ये इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स मार्केट से नहीं आया मनी मार्केट से आया और अगर किसी वक्त इकॉनोमी पॉइंट ए पे पहुंच जाए तो आपको नजर आ रहा है कि पॉइंट ए के ऊपर जो डिमांड फॉर मनी है वो कम है और सप्लाई ज्यादा है तो एक्सेस सप्लाई हो जाएगी एक्सेस सप्लाई जिसकी ज्यादा होती है उसका कास्ट, उसकी प्राइस कम होने लग जाती है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा जो कि आपको डाउनवर्ड एरो शो कर रहा है और अगर किसी वक्त इकॉनोमी पॉइंट ई e पे चली जाए तो पॉइंट ई e पे गिवन इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिमांड ज्यादा है मनी की सप्लाई कम है तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी जिस चीज़ की एक्सेस डिमांड हो जाए उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है तो मनी मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा अल्टीमेटली स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट सी है जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है और इसमें फर्दर चेंज की टेंडेंसी नहीं है तो ये मनी मार्केट से और उसके इक्विलिब्रियम से इंटरेस्ट रेट की डिटर्मिनेशन थैंक यू